इस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है कि वो दलितों के नेता थे। मैं यहाँ ये कहने और जोर देकर कहने आया हूँ कि अगर वो दलितों के नेता होते तो अपना तीनों गुरु किसी दलित को ही बनाते। उन्होंने तीनों गुरु किसको बनाया? जो विचार से एक थे, जिन्होंने सबकी मुक्ति का ख्वाब देखा था, ऐसे महात्मा तथागत बुद्ध से लेकर के, जिसने मानवता को मनुष्यता को आगे बढ़ाने का काम किया, कबीर से लेकर के, और महात्मा ज्योतिराव फूले को अपना गुरु बनाया, उसे आप कहते हैं कि वो दलितों के नेता थे? ये हमारी चुनौती है। केवल दो बातें आपसे करने आया हूं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और अभी टेम्परेरी प्रोफेसर हूं, परमानेंट भी नहीं हूं। हमारे मित्र ने कहा ना कि नौकरी को जोखिम में डाल करके हमारे बीच में बोलने आए। अरे, हमारे पुरखों ने तो अपनी जान जोखिम में डाली ताकि हम यहाँ खड़े हो सके। हम कौन सा जोखिम उठा रहे? महात्मा ज्योतिबा फूले ओबीसी जाति से आते थे। ये जरूरी है बात बताना। बाबा साहब ने अपने तीन गुरु बनाए। पहला गुरु तथागत बुद्ध को, दूसरा गुरु बनाया महात्मा कबीर को, और तीसरा गुरु उन्होंने माना था महात्मा ज्योतिराव फूले को। ये तीन के तीनों लोग उस जात बिरादरी के नहीं थे जिसके बाबा साहब थे। अभी हमारे पूर्व के वक्ता कह रहे थे और बहुत गंभीर बात उन्होंने कही, इस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है कि वो दलितों के नेता थे। मैं यहां ये कहने और जोर देकर कहने आया हूं कि अगर वो दलितों के नेता होते तो अपना तीनों गुरु किसी दलित को ही बनाते। उन्होंने तीनों गुरु किसको बनाया? जो विचार से एक थे, जिन्होंने सबकी मुक्ति का ख्वाब देखा था, ऐसे महात्मा तथागत बुद्ध से लेकर के, जिसने मानवता को मनुष्यता को आगे बढ़ाने का काम किया, कबीर से लेकर के, और महात्मा ज्योतिराव फूले को अपना गुरु बनाया, उसे आप कहते हैं कि वो दलितों के नेता थे? अगर डॉक्टर अंबेडकर दलितों के नेता होते तो वो सारा काम केवल दलितों के लिए किए होते। लेकिन उन्होंने ओबीसी समाज जो आता है, पिछड़े तबके के लोग हैं, उनके लिए भी काम किया। अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 15(4), 16(4), इन सब के जरिए जो पिछड़े तबके के लिए थोड़ा अधिकार मिला, उनमें एक सहयोग और आगे बढ़कर के उनकी लड़ाई लड़ने वाले नायक का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महिलाओं के लिए आज महिलाओं के काम के घंटे पुरुषों से कम हो, चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी लीव जो मिलती है, महिलाओं को छुट्टी जो मिलती है, महिलाओं को पूरा वेतन पुरुषों के बराबर हो, ये सारा अधिकार देकर के लड़ाई लड़ने वाले, महिलाओं के भी मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले नायक का नाम है डॉक्टर अंबेडकर। दुनिया में लोकतंत्र जब बना तो वहां सबको वोट करने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं दिया। लेकिन बाबा साहब को जब संविधान बनाने का मौका मिला तो उन्होंने महिलाओं को बराबरी का हक देकर के वोट करने का अधिकार दे दिया। फिर भी वो दलितों के ही नेता हैं।